फिर लोन लिया, लोन लेके इस काम को बढ़ाया है। कितना रुपए लोन लिया था? लोन लिया 25 लाख, और दूध का मद्दा रहता है। सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। जो सर दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजा है जी, गुलाम नगर में डेयरी है। इसका फुल एड्रेस क्या है? गुलाम नगर घोसियों की मस्जिद। घोसियों की मस्जिद बरेली में है। बरेली में है। अच्छा, तो अपना ये डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? हमारा डेयरी फार्म शुरू हुआ 40 सालों से। 40 साल पहले शुरू किसने किया था? शुरू हमारे पिताजी ने करा था। आपके पिताजी ने शुरू किया था? तो आप डेयरी फार्मिंग के आने के पहले कुछ और काम करते थे किसी से? डेयरी में ही पहले कदम उठाया? डेयरी में ही। डेयरी में पहला कदम? डेयरी में था पहला कदम। डेयरी में। जब आप इसमें इन्वॉल्व हुए तब आपके पास कितने पशु थे टोटल? जब हमारे घर इन्वॉल्व हुआ तो हमारे घर ऐसी थे 10-15 पशु। 10-15 पशु। लगभग किस सन की बात है? सन 90 में मान लो। 1990 में। और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति सही है। कितने पशु हो गए? होगा कुछ कमती बढ़ती 90, बच्चे उच्चे लगा 100। 90 हो गए एडल्ट, बड़े जानवर बच्चे लगा के 100 हो गए। 100 हो गए। अच्छा, तो कौन कौन सी समस्याएं आई आपको? समस्या बहुत आई, महंगाई आई। अच्छा, महंगाई आई। और दूध का मद्दा रहता है? दूध का मद्दा रहता है। हाँ, दूध का मद्दा है इस वक्त बहुत 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 मद्दा है। आप बताइए, इतनी कम पैसों से इतनी पैसों पहुँच गए, मेहनत किया, पैसे कमाए, तभी तो गए। ऐसी समस्याएं कैसी है? जैसे पशुपालन में कौन कौन? पशुपालन में बहुत बहुत समस्या आई। जैसे? जैसे भूसा महंगा, भाटा महंगा। हाँ। फिर लोन लिया, लोन लेके इस काम को बढ़ाया है। कितना रुपए लोन लिया था? लोन लिया 25 लाख। 25 लाख रुपए का? और क्या, तब पशु बढ़े आपके? तो पशु बढ़े, कोई इतनी में कमाई थोड़ी है काम में। अच्छा अच्छा। हाँ, लोन लेकर शुरू किया था? लोन लेके शुरू किया इस काम को। अच्छा अच्छा। उस समय दाना में क्या खिला रहे हैं आप? दाना में चोकर है, अरहर है, मसूर है। मसूर है। खल है। खल है। जो आपकी भैंसे हैं, भैंसे आप कहाँ से लाया करते हैं? हम पंजाब से। पंजाब से लाते हैं? हरियाणा। हरियाणा, पंजाब। कितने लीटर वाली लाते हैं? 10 वाली, 10, 11, 12 बस। 10, 11, 12। लगभग कितने कीमत तक वाली खरीदते हैं भैंसे आप? 80,000-90,000। 80,000-90,000, इससे ऊपर की नहीं? हाँ, इससे ऊपर की खरीद लेते हैं, 1 लाख तक की खरीदते हैं। 1 लाख तक की। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी डेयरी फार्म में कुछ चेकअप चल रहा है, डॉक्टर साहब घूम रहे हैं, तो ये क्या चेकअप चल रहा है? चेकअप यही, कोई भैंस बीमार है, कोई खाली है, अच्छा। हाथ डलवाया है भैंसों के, ज्ञावन है या नहीं है। तो ये प्रक्रिया कब कब करवाते हैं डॉक्टर साहब वाली? बस डॉक्टर साहब आ गए, प्रक्रिया करवा ली। मतलब लगभग जैसे आज करा लिया आपने? हाँ। फिर कितने दिन बाद डॉक्टर साहब आएंगे आपके फार्म? फिर जब भैंस ज्ञावन होती है तो उसे चेक कराते हैं कि है या नहीं है, पशु हमारा ज्ञावन है या नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया 100 पशु हैं, इसमें गाय भी पालते हैं कि टोटल भैंसे ही पालते हैं? गाय भी है। गाय कितनी है? 10 गाय है। 10 गाय है। और लगभग दूध देने वाले कितने एनिमल है आपके फार्म में? हमारे फार्म में एनिमल में दूध देने वाले हैं 70 जानवर। 70 जानवर दूध दे रहे हैं। अच्छा। 20 गाय बने। 20 गाय बने। टोटल कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? दूध का उत्पादन तो ज़्यादा नहीं है इस वक्त, फिर भी ऐसे 5-6 क्विंटल। 5-6 क्विंटल थोड़ा है ये 5-6 क्विंटल? लोग घरों में जब इतने जानवरों में 5-6 क्विंटल कम है? कम है। कितना होना चाहिए? कम से कम 80-90 जानवरों में होना चाहिए कम से कम 10 क्विंटल दूध। 10 क्विंटल, जिसमें वैसे कुछ तोड़ भी हो जाती है, गब्बिन भी हो जाती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक भैंस कितना एवरेज आना चाहिए डेयरी में? अगर डेयरी में अपने पास टोटल जानवर है, हाँ, तो लगभग कितने का एवरेज रहना चाहिए टोटल पशु का? अगर हम गुड़ा भाग करके लगाए, गुड़ा भाग करके कम से कम 9 लीटर। 9 लीटर का एवरेज आना चाहिए। 9 लीटर का एवरेज आएगा तब आपकी डेयरी फार्म अच्छा चल रहा है। हाँ। अभी आपका क्या एवरेज आ रहा है इस वक्त? तो ऐसी दाल रोटी मिल रही है बस। दाल रोटी मिल रही है। हाँ हाँ। तो क्या कुछ कारण है जो आपको पैसे है, मतलब नहीं समझ में आ रहे हैं कि मतलब पैसे नहीं बच रहे डेयरी में? पैसे डेयरी में ना बचने का मतलब है महंगाई। महंगाई। तो क्या रेट दूध बिके तब पैसे बचेंगे? अब बम्बई में बिकता है 100 रुपए किलो दूध। अच्छा। और यहाँ दूध बिकता है 60-65-70 रुपए किलो दूध। अच्छा। 30 रुपए किलो का अंतर है यहाँ पर। किलो हाँ, अभी 10 पैसे लेके आओ तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए चाहिए तब जाके क्विंटल दूध होगा। हाँ, समझ लो तुम, क्विंटल दूध होगा, नहीं तो समस्या है। तो अभी किस रेट से दूध आप बेच रहे हैं? 70-65 रुपए। 70-65 रुपए। 65 रुपए में गाय का, 70 रुपए में भैंस का। अच्छा, तो जैसे नए किसान साथी है, जैसे मेन बात क्या है ना, मेन दूध की तो डिमांड है, दूध चाहिए लोगों को,
डेयरी किसान संकट में ऐसा है चलेगा कि आदमी थैलिया का दूध केमिकल वाला ज्यादा पसंद कर रहा है, तुम्हारा ओरिजिनल वाला फेल कर दे रहा है दूध को। अच्छा, थैलिया का दूध ज्यादा चल रहा है जो उसमें सिंथेटिक दूध सब होता है थैलिया में, पाश्चराइज दूध जो आता है उसको लोग ज्यादा ले रहे हैं, उसे ज्यादा ले रहे हैं, डेयरियों का दूध कम पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका दूध कहाँ बिक रहा है इस समय? हमारा दूध हलवाइयों के जाता है, थोड़ा डेयरी पे बिकता है। डेयरी में मतलब अपनी खुद की डेयरी है या? हमारी डेयरी अपनी डेयरी है। अपने डेयरी से हलवाइयों क्या रेट बेचते हैं? हलवाइयों का वही 65-66। ये जो व्यवसाय है इसमें अगर नया किसान साथी आएगा तो बढ़िया से कर सकता है काम, मतलब पैसे बचा सकता है, कैसे करे, शुरू करे काम? ऐसा है, किसान अपने गांव में करेगा तो उसका कबाड़ उसके घर का, वो पैसा बचाएगा। कबाड़ कैसा? मतलब जैसे भूसा आया, उसे गांव में कबाड़ बोलते हैं, भूसा है, बाटा है, उनके गांव का हमें मोल खरीदना पड़ता है डेली का डेली। इसमें भूसा का रेट क्या चल रहा है? 900 रुपए क्विंटल। और दाना लगभग क्या रेट पड़ जाता है? पूरा दाना पड़ जाता है चोकर की बोरी 1300 रुपए। 1300 रुपए 48 किलो चोकर। अगर जैसे नया किसान साथी गांव में शुरू करता है तो लगभग कितने पशुओं से शुरू करे? जितना उसके पास पैसा हो उतने पशु शुरू करे वो। जैसे मान लीजिए शुरुआत में पैसे तो बहुत है बट उसको अनुभव नहीं है, तो अनुभव कैसे ले? अनुभव ऐसे लेगा, गाँव वाले को सब अनुभव है। अच्छा, शहर वालों को तो फिर आप जैसे कामयाब ना हो जाए। गांव में आप इतनी बड़ी डेयरी अभी देखते हैं? बहुत कम ही देखने को मिलती है गांव में डेयरी। गांव में यार, गांव में तो उनकी जमीन जायदाद से खेती बाड़ी कर रहे हैं, भैंसे पालेंगे वो, भैंसे तो शौक में पालते हैं, दो चार पालते हैं, मतलब फार्म बना के नहीं पालते ना। तो शहर और गाँव में आपको क्या अंतर लगता है कि अगर गाँव में होते तो ऐसे पैसा बचाते? मतलब गाँव शहर और गाँव में क्या अंतर आपको लगता है? शहर में गाँव में ये अंतर है, यहाँ पर हमें हर चीज मोल की खरीदना पड़े, वहाँ पर हर चीज हमें मद्दी मिलती, हर चीज मद्दी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जैसे रोज लेके आए, रेट घटता बढ़ता रहता है, और वहाँ पे है कि अपना एक रेट साल में ले लिया और अपना चलता रहता है। जैसे आप बता रहे हैं पैसे ठीक ठाक बच नहीं रहे, तो फिर व्यवसाय में मतलब क्या है? मतलब आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समय भी लगा रहे हो, लोगों को शुद्ध दूध भी दे रहे हो। ऐसा है ना, ये हमारा खानदानी काम है और इसके अलावा और काम कुछ हम जानते नहीं, जानते तो करें क्या। और अब जो बीमारी आई है पैरों की इस वक्त, खुरपका, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। खुरपका कैसे? मतलब पैर पक जाते हैं, खुर पक जाते हैं। उनका वैक्सीनेशन चल रहा है? वैक्सीन लगवाते हैं। तो बहुत सी का क्या प्लान है आपको? क्या करना है? डेयरी बढ़ाना है या गांव में ले जाना है? शहर बाहर वैसे हो जाएंगी। अच्छा, तो हम काम को खत्म कर देंगे, कुछ और काम करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है जब तक शहर में डेयरी चल रही तब तक चलाएंगे, नहीं तो फिर काम को अपना बंद कर देंगे। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद जो आपने। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।